Welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share November month best 100 plus current affair. Questions English में होंगे. Explain मैं इनको हिंदी में करूँगा ताकि हिंदी वाले and English वाले दोनों students इस video का benefit उठा पाएं. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Join करने के लिए simply आपने Telegram app पे जाके channel का नाम search करना है. Next exam IQ and join करना है. PDF आपको provide कर दिया जाएगा. पहली बार विजिट कर रहे हो आज चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे अब तक करंट अफेयर की डेली नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. ओके, वीडियो को एंड तक देखिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट. नवंबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर आपके इस सेम वीडियो में कवर हो जाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. करेक्ट आंसर होगा इसका 31 अक्टूबर. ओके, 31 अक्टूबर को हमारा नेशनल यूनिटी डे एंड राष्ट्रीय एकता दिवस भी होता है. जम्मू एंड कश्मीर के लिए 31 अक्टूबर डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद द इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर एक एंड लद्दाख एक सेपरेट यूटी बने थे. तो वो आपको ज़रूर याद रखना है. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस होता है नेशनल यूनिटी डे, जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ये पॉइंट आप याद रखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, बाकी इनके बारे में फर्दर डिटेल्स आपको हर मिलती रहेगी. PDF आप डाउनलोड करोगे तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. ओके, तो किसे बनाया गया न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. पिक्चर भी आपके सामने है, इनका नाम है यशवर्धन के सिन्हा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सुनील अरोरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. ओके, उनके साथ कन्फ्यूज नहीं करना. दिस इज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. तो यशवर्धन के सिन्हा जी को बनाया गया, आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन है जी, ये इंपॉर्टेंट है. इंडिया हैज़ अंज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर द गैप ऑफ 35 ईयर्स गवर्निंग लाइक एज अ चेयरमैनशिप मिली है एंड द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा का नाम इन्हें आपने ज़रूर याद रखना है. हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021. तो नाम आप याद रखेंगे अपूर्वा चंद्रा, एंड 35 साल बाद फिर से हमारे इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है, ल्यूस एर्क हैज़ बिन चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बोलीविया. तो ये आप याद रखेंगे इनका नाम एंड अबाउट द कंट्री कैपिटल एंड करेंसी भी आपको यहाँ स्लाइड में मिल जाएगी. ओके, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगा जो अभी रिसेंटली बने हैं स्टेटेड दैट कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन एमिशन. तो ये कंट्री जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगी, यानी कि कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा बाय 2050. ओके, इन फोर्सेस आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, लाइक उसने भी ये टारगेट अचीव कर लिया है. ओके, उसने 2020 में ही ये टारगेट अचीव कर दिया एहेड ऑफ 2050. एज पर पेरिस एग्रीमेंट 2050 तक उन्होंने डिसाइड किया था, बट 2020 में ही उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया. इन फोर्सेस वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. एंड सिक्स क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन ये इंपॉर्टेंट है, जो न्यू CEO एंड MD बने हैं HDFC बैंक के विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर 2020. आदित्य पुरी जी को इन्होंने रिप्लेस किया. आदित्य पुरी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लाइक MD एंड CEO ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक सिंस इट्स इंसेप्शन HDFC बैंक की 1994 के बाद. इस बैंक के लाइक MD एंड CEO वही थे एंड अब ये रिटायर हो गए. ओके, शशिधर जगदीशन बने हैं न्यू, ये आप याद रखेंगे. लिवाइस हैमिल्टन विन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020. तो लिवाइस हैमिल्टन ने जीत लिया, इज फ्रॉम UK, मर्सिडीज ड्राइवर, ये आपने याद रखना है. इंडियाज एला वेनिल वेलारिवन विंस गोल्ड इन इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन. तो इंडिया के प्लेयर ने ये जीत लिया, इनका नाम आप याद रख सकते हैं. ओके, नाइन्थ हमारा, इंडियन आर्मी द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI. सेम रहेगा लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहेगा, जिस हिसाब से आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वॉइस टेक्स एंड वीडियो कॉलिंग करते हो, ये सारी फैसिलिटीज ज़्यादा सिक्योर रहेगा. तो इंडियन आर्मी द्वारा इसे लॉन्च किया गया, नाम आप याद रखेंगे मनोज मुकुंद नरवणे, वो आप याद रखना है जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, नासा सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी डिस्कवर्स वाटर ऑन सनलिट सरफेस ऑफ मून. तो सरफेस ऑफ मून पे पानी की खोज हुई. नासा का ये एस्ट्रोनॉट
इसका नाम आपने याद रखना है, लाइक सोफिया, सोफिया का फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखेंगे, टेलीस्कोप, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसने वाटर की खोज की ऑन सनलिट ऑफ सरफेस ऑफ मून, तो सोफिया। ओके, द 14th एडिशन ऑफ एशियन फिल्म अवार्ड वर ऑर्गेनाइज बाय एशियन फिल्म एकेडमी, तो अवार्ड्स दिए गए, इंडियन मूवी गली बॉय हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स। तो गली बॉय मूवी का नाम आपने याद रखना है, एंड बाकी डिटेल्स भी आपको इसमें मिल जाएगी, आप PDF में देख सकते हो। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया पैरासाइट, जो साउथ कोरियन मूवी है। बाकी बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर भी आपके साथ यहाँ शेयर किया गया। ओके, लेट इंडियन एक्टर ओम पुरी वॉज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। दिस अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय हिज वाइफ नंदिता पुरी, तो याद रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट है, इंडिया ने 1 बिलियन क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया टू एशियन कंट्रीज। ओके, ये डायलॉग जो हुआ, जिसे हेड किया, जो हमारी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, तो इसमें जो कंट्रीज थी उनकी डिटेल्स भी दी गई है। 1 बिलियन का क्रेडिट दिया है हमारे इंडिया ने टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव लॉन्चेस धरानी पोर्टल, धरानी पोर्टल का उद्घाटन किया। धरानी लाइक इज वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन एज वेल एज अ डॉक्यूमेंटेशन। आपको ज़मीन खरीदनी है, पैसे देने, जो भी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगी, वो धरानी पोर्टल की हेल्प से आप कर सकते हो तेलंगाना में, तो ये याद रखेंगे। ओके, 6-year-old बॉय, बांग्लादेशी बॉय अंजर मुस्तीन अली हैज़ वॉन स्पेशल प्राइज फॉर USD ऑफ 1000 लाइक $1000 फॉर हिज वर्क आर्ट वर्क इन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था ICCR द्वारा। एंड इसमें जिसे ऑर्गेनाइज करवाया था, ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन था, जो बांग्लादेश के बॉय ने जीत लिया, ये आपने याद रखना है। एंड अंजर मुस्तीन अली का नाम याद रखेंगे। एंड जिसका थीम रखा गया था इस लाइक कंपटीशन का, वो रखा गया था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, भारत पे लॉन्चेस डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल गोल्ड भारत पे द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, नाउ लाइक मर्चेंट्स कैन चूज टू बाय इन रुपीज और ग्राम्स एनी टाइम ऑफ द डे, आप गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड भी यहाँ से परचेज कर सकते हो प्योर क्वालिटी का, तो आपने याद रखना है। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर आप जानते हो सलमान खान है। द बुक टाइटल नाइट्स ऑफ द रेस्टलेस स्प्रेड स्टोरीज फ्रॉम 1984 से ऑथराइज किया है सबरप्रीत सिंह द्वारा, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अल्फा कोंडे बनी है 3rd term प्रेजिडेंट ऑफ गिनी। ओके, अबाउट गिनी, बाकी ये बेसिक डिटेल्स आपको इस स्लाइड में शेयर की गई है। नेक्स्ट इज, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स लाइक जैसे ड्रीम इलेवन है, MPL है, तो इनके लिए लाइक अपॉइंट किया गया बिमल जुल्का को एज इट्स चेयरमैन, तो ये आप याद रखें, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद 2 institutions फ्रॉम इटली सीकिंग रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड 2 institutes फ्रॉम इटली, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ 12th यूनेस्को बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, तो ये मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा 12th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज, ओके, यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड लाइक इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश टू मेक सिटी फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, तो इस लीग का नाम क्या था, लाइक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई थी, मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में। ओके, विच स्टेट अमंग लार्ज स्टेट्स कैटेगरी वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, सो एज पर द रिपोर्ट दिस लिस्ट अमंग द बिग स्टेट्स हैज बीन टॉप्ड बाय केरल। ओके, सो केरल इज द करेक्ट आंसर, बाकी डिटेल्स भी मैंने पूरी एक्सप्लेन की है इसमें, आप यहाँ से देख सकते हो, लाइक अमंग बिग स्टेट्स केरल नहा नंबर 1 पे, एंड अगर UTs की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ एमर्ज एज अ टॉप इन दिस कैटेगरी, तो ये आप याद रखेंगे। एंड जम्मू एंड कश्मीर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, इन लाइक बिल्कुल बॉटम लाइन पे आप कह सकते हो। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू फिक्स फ्लोर लाइक फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स, तो लाइक कभी मार्केट अप डाउन हो जाएगी तो एटलीस्ट जो फार्मर्स हैं उनको एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा,
सो ये स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना? सो दिस इज द स्टेट इज केरल. नेक्स्ट इज इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ. तो ये एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन हुआ? सो दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया. ओके, हु हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री टू हिट 1000 sixes इन T20. तो 1000 sixes लगाने वाले बन गए हैं क्रिस गेल. ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया US एंड जापान. तो ये शुरुआत हुई थी, आपको बताना है कि ये कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट फेज. तो ये हुआ था जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कोस्ट. विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर. वट इज़ द सी थीम ऑफ वर्ल्ड सोरियासिस डे? स्किन रिलेटेड डिजीज सोरियासिस. तो आपको बताना है कि थीम क्या था, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को एवरी ईयर. एंड जो थीम रखा गया था फॉर दिस ईयर इज इनफॉर्म्ड. नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट. तो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हमारे रोहित शर्मा. नेक्स्ट इज विच आई टी कंपनी हैज कोलेबरेटेड विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फॉर डिजिटल सर्विसेज. सो दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द कंपनी हुज सीईओ इज मिस्टर अरविंद कृष्णा. सो करेक्ट आंसर इज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ऑन विच डे इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड? सो ग्लोबली इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अक्टूबर, जिस दिन वर्ल्ड सोरियासिस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. बेसिकली इस दिन फर्स्ट लाइक डिजिटल मैसेज किया गया था एक जगह से दूसरी जगह. सो उसी चीज़ को के उपलक्ष्य पे इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है. रिसेंटली टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया एंड कैनेडा हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन विद सिविलाइजेशन. सो द सिविलाइजेशन इज हरप्पा सिविलाइजेशन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन इन विच सिटीजन्स कैन इन्फॉर्म पोल्यूशन एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट नोटिस. कोई भी आपके नियर कोई पोल्यूशन एक्टिविटीज कर रहा है सो यू कैन इन्फॉर्म विद दिस एप्लीकेशन. सो नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज ग्रीन दैली. ओके, विच कंट्री हैज ऑफर्ड इंडिया इट्स F-18 नेवल फाइटर जेट्स फॉर नेवी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्बैट जेट्स फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स. सो कौन सी कंट्री द्वारा ये ऑफर किया गया इंडिया को F-8 नेवल फाइटर जेट्स? सो दिस हैज बीन ऑफर्ड बाय अमेरिका, USA. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा 7 नवंबर फ्रॉम PSLV-C49 रॉकेट. तो ये इसका नाम आपको बताना है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01. ओके, इसके साथ साथ 9 अदर फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई थी, वो भी आप जरूर याद रखेंगे बाय इसरो. ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड. तो कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड? दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट. ओके, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ. सो UP इज द करेक्ट आंसर. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा हैज लॉन्च द मार्केट इन्वेंशन स्कीम 2020 फॉर द फार्मर्स ग्रोइंग विच प्रोडक्ट? सो द प्रोडक्ट इज एप्पल. नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नाइट्स ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984? सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज सरप्रीत सिंह. ओके, वर्ल्ड फर्स्ट साइन टून बुक Entitled Bye Bye Corona. Basically अभी कोरोना गया नहीं है बट Bye Bye Corona इसे रिलीज किया गया बाय आनंदीबेन पटेल. ओके, गवर्नर ऑफ UP. दिस बुक वॉज रिटन बाय साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा. तो ये आप याद रखेंगे Bye Bye Corona. ओके, रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन 29th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक लिस्ट बाय ग्लोबल फाइनेंसेस. ओके, तो वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक जो डिक्लेयर किया गया वो KCB ग्रुप PLC कीनिया बेस्ड बैंक है. तो वन ऑफ द सेफेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड. अगर इंडिया की तरफ से बात की जाए तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेफेस्ट बैंक एज पर द ग्लोबल फाइनेंसेस. ओके, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट? इसका उद्घाटन किया गया CM पिनराई विजयन द्वारा. सो द स्टेट इज केरल. ओके,
वैली ट्यूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया गया। सुपर टाइफून गोनी इसने हिट किया, तो कौन सी कंट्री को हिट किया ये आपने बताना है। इसने हिट किया रिसेंटली फिलीपींस, जहां एडीबी के हेडक्वार्टर्स है। ओके, विच कंट्री हैज बीन अनाउंस एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वुमेन T20 चैलेंज? ट्रायल ब्लेजर्स द्वारा जीत भी लिया गया। सो जो टाइटल स्पॉन्सर थी वो थे जियो। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर विच एयरपोर्ट टू अदानी ग्रुप ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स? सो करेक्ट आंसर इज लखनऊ एयरपोर्ट। ओके, बाकी इसमें डिटेल्स भी बाकी लखनऊ के साथ अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड गुवाहाटी वर ऑल्सो मैनेज बाय अदानी ग्रुप्स। ओके, बाकी ये डिटेल्स जैसे कि अहमदाबाद का ऑपरेशन सारा अदानी ग्रुप 11th ऑफ नवंबर से लिया इसने, मैंगलुरु का 31st अक्टूबर, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको बताना था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लखनऊ, एंड बाकी फर्दर जो भी ऑपरेट करी अदानी ग्रुप उनके डिटेल्स भी आपको स्लाइड में मिल जाएंगे। ओके, राजीव जलोटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट? सो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, टी बंदोपाध्याय हैज़ बीन लाइक हैज़ ऑथराइज्ड अ बुक टाइटल पैंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तो इसके द्वारा इनके द्वारा टी बंदोपाध्याय द्वारा इस बुक को ऑथराइज किया गया, पब्लिश्ड बाय रोली बुक्स, तो बुक का नाम एंड ऑथर का नाम आप याद रखेंगे। शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, ये पॉइंट आप याद रखें। इंडियाज फर्स्ट एवर टायर पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये होगा जी सेटअप इन वेस्ट बंगाल। ओके, याद रखेंगे, एंड जो भी पुराने टायर वर्क्स होंगे फ्रॉम स्कार्प्स एंड डिफेक्टिव पार्ट्स विल बी ऑन द डिस्प्ले। सो इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क बनेगा बांग्लादेश, इट्स वेस्ट बंगाल। ओके, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंपनी वेल वर्स्ट हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो युवराज सिंह को बनाया गया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, जॉन मगुफुली हैज बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन मगुफुली बने हैं जी तंजानिया के न्यू प्रेसिडेंट। ओके, अबाउट द कंट्री डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। द स्कॉटिश एक्टर बेस्ट नोन फॉर इज लाइक जेम्स बॉन्ड का एक्टर इन्होंने लाइक रोल जो इन्होंने निभाते थे जेम्स बॉन्ड, सीन कॉर्नरी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, इनका नाम आप याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर टू लाइट अप विद 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क, तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये समझौता हुआ विद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ टू एस्टैब्लिश अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क। तो ये जो पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर एंड राजस्थान, तो वहाँ पे 8000 मेगावाट से इसे लाइट अप किया जाएगा विद रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च 10-day स्पेशल कैंपेन टू आइडेंटिफाई पीपल सफरिंग फ्रॉम टीबी? 24 मार्च को टीबी वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये कैंपेन 10 दिन का किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था यूपी सरकार द्वारा। ओके, वेस्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ऑफ लाइक न्यूजीलैंड, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सी मिनिस्टर बनी है, डिटेल्स पूरी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एम सैम्यूल्स रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, यू हैव टू आंसर ही प्लेड फॉर विच कंट्री? सो करेक्ट आंसर इज वेस्ट इंडीज। The Competition Commission of India has approved the acquisition of general insurance business of Bharti AXA General Insurance Company Limited by ICC Lombard General Insurance under 31st of the Competition Act 2020. So it's a acquisition ko manzoori de di hai by Competition Commission of India dwara. Okay, Indian naval ship Erawat reaches Port Sudan under Mission Sagar 2nd. To madad karne ke liye Erawat पहुंचे साउथ सूडान, ये अपने याद रखने, मिशन सागर। तो उसके बाद नेवीज ऑफ इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया बिगेन द 4-day लॉन्ग फेस ऑफ मालाबार, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड विशाखापट्टनम कोस्ट में हुआ था ये, हमारी तरफ से जो नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था उनके डिटेल्स भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। ओके, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू गेट 100% टैक्स एग्जेम्पशन?
correct answer is MIG Redwood. Basically, this is not Indian company. So the like basic objective is to go foreign investments आए तो company set up हो तो इस वजह से 100% tax exemption दे दिया गया by income tax department to this company MIG Redwood. Okay, who has been elected as the new president of Inter Parliamentary Union? Correct answer is Juata Pachiocho, जो बने हैं new प्रेसिडेंट. अपने इनका नाम आप याद रखना है. ओके, न्यू किड स्पॉन्सर ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम बने, लाइक कौन सी कंपनी बनी है? MPL, इंडियन जो हमारे क्रिकेटर्स होंगे इनको जर्सी बनाओ, पहले नाइकी था, नाउ MPL देखा देखेंगे अब आप MPL लिखा होगा, तो MPL बना है न्यू किड स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. प्रेजिडेंट ऑफ हैंडबॉल लाइक इंडिया बने हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो जगनमोहन रेड्डी. ओके, नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? करेक्ट आंसर इज 11 नवंबर. 11 नवंबर को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है. बाकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनका जन्मदिवस होता है, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे फ्रॉम 1947 टू 1958. 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. एंड नेशनल एजुकेशन डे सिंस 2008 के बाद ऑब्जर्व किया जाता है. योर बेस्ट डेज टुडे किसकी लाइक बुक का ही आपने बताना है. अनुपम खेर इज द करेक्ट आंसर. ओके, 210 मेगावाट लोरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जिसके लिए सरकार ने अराउंड 1800 करोड़ का मंजूरी दिया है, ठीक है, एंड ये कहाँ पे आए? हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर पे, तो ये आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में. द सेकेंड बैच ऑफ 3 रफाल फाइटर जेट्स अराइव्ड एट विच एयर बेस ऑफ इंडिया? फर्स्ट तो आप जानते हो अंबाला एयर बेस पे आए थे, तो सेकेंड 3 भी आ चुके हैं, यानी कि टोटल हमने 36 लेने, तो अब सेकेंड बैच भी आ चुका है. तो कहाँ पे आए? ये आए थी जामनगर. जामनगर है गुजरात में. ओके, एलएसएन क्वात्रा हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? तो ये बने हैं जी इवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट फॉर द टेनर ऑफ थर्ड टाइम, फॉर थर्ड टाइम. इंडिया लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड. इसका उद्घाटन हुआ है इन तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, दोबरा चंती जुला इस ब्रिज का नाम दिया गया. इज इनॉग्रेटेड बाय द CM त्रिवेंद्र सिंह रावत. जिस दिन फाउंडेशन डे था, 20th फाउंडेशन डे था उत्तराखंड का, 9 नवंबर को. एंड तहरी लेक पे बना, ये आपने याद है. नेक्स्ट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डायरेक्टर पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह इन्हें बनाया गया, विल बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड. ओके, रिप्लेस करेंगे प्रभात सिंह, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल खत्म कर लिया. तो नाम आपने याद रखना है अक्षय कुमार सिंह, जो बनेंगे न्यू लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट. नर्टरिंग नेबरहुड चैलेंज हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो दिस हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. हरदीप सिंह पुरी इज द मिनिस्टर. ऑन विच डे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 नवंबर. ओके, सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. हू हैज बीन सिलेक्टेड फॉर जेसी डैनियल अवार्ड, द हाईएस्ट केरल गवर्नमेंट ऑनर फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा? तो किससे सम्मानित किया गया? हरिहरन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which Indian superhero has become the brand ambassador of Namami Gange project? Correct answer for this question is Chacha Chaudhary. Next one is Tejpur Litchi of which Indian state has received geographical indication tag, GI tag mila Tejpur Litchi ko? To batane ki kaun si Indian state ki hai ye? Ye hai Assam ki. Okay, on which day National Stress Awareness Day is observed? फर्स्ट वेंसडे इन नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जब भी आएगा, तो इस बार ही आया 4 नवंबर को नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे. ओके, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ? सो
सो दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय देहरादून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ओके, मुंबई इंडियंस ने खिताब जीत लिया जी, पांचवीं बारी आईपीएल ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर दिया। बाकी डिटेल्स पूरी मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गेम चेंजर ऑफ द मैच रोहित शर्मा कैप्टन, ट्रेंट बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, केएल राहुल बैग्स द ऑरेंज कैप। ओके, बाकी सबसे ज़्यादा विकेट्स पर्पल कैप का किशोर रबाडा के नाम आई। ओके, बाकी डिटेल्स पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फेसबुक हैज़ डिलीटेड विच पेज ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर्ट्स पेज को डिसेबल कर दिया फेसबुक द्वारा, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ विच कंट्री? एस्ट्रावेट्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन, लाइक स्टार्ट करना इसने काम कर लिया, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यह है जी बेलारस का। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, तो किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MM कूटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द टू डेज जॉइंट कोस्टल एक्सेस सागर कवच विच हैज बीन हेल्ड बिटवीन उड़ीसा एंड विच स्टेट? सो सागर कवच टू डे कोस्टल एक्सेस इज हेल्ड बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? एग्जैक्टली 7th November इज द करेक्ट आंसर। ओके, मराठी फिल्म कारखान सांचीवारी एशिज ऑन द रोड ट्रिप 149 minutes शॉर्ट मूवी है, लाइक नॉट शॉर्ट इट्स फुल मूवी, टेल्स द स्टोरी ऑफ कारखानी इज द लास्ट जॉइंट फैमिली ऑफ पुणे। तो द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय मंगेश जोशी, द मूवी हैव इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट द 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इट इज़ द ओनली इंडियन एंट्री एट दिस फेस्टिवल। तो मूवी का नाम आप याद रखेंगे, डायरेक्टर का नाम भी आप याद रखेंगे, मराठी फिल्म है। ओके, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, सो करेक्ट आंसर इज एस हरीश। ओके, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे इस बारी वर्चुअली ही सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, इसके साथ जी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड इसका नाम बदल दिया गया, अब नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई, मानसुख मांडविया इसके मिनिस्टर हैं एंड इसका नाम बदल दिया गया, ये आप याद रखेंगे। फास्टैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया फॉर ऑल फोर व्हीलर्स फ्रॉम 1st January 2021। ओके, ये हो चुका है क्वेश्चन। पाकी टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट COVID-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। ग्रीन सोल्जर्स जो गार्ड्स रहते हैं हमारे टाइगर रिजर्व्स के बाहर, तो इट इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ बताना ही, कहाँ पे पाकी टाइगर रिजर्व है जी हमारा अरुणाचल प्रदेश में। हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पैट्रॉन ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। न्यू पैट्रॉन मीन्स जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी यही संभालेंगे, कोई डोनेशन देना है, कोई चैरिटी देना है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की। प्रेजिडेंट तो आप जानते हो क्लेयर कनूर, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड, फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, एंड पैट्रॉन बने हैं माइकल होल्डिंग। ओके, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट इशूइंग फॉरकास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। तो डेंगू आउटब्रेक का जो भी फॉरकास्ट होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा इज ऑल्सो नोन एज अ साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, उनका नाम आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म हिट गौतेमेला, तो कौन से स्टॉर्म ने हिट किया रिसेंटली गौतेमेला को, तो नेम ऑफ द स्टॉर्म इज ईटा। ओके, जॉय बाइडेन हैज बिकम द 46th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कितनी सीट्स इन्होंने जीती, कितनी इनको सीट्स मिली आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल सीट्स, ही हैज़ वॉन 290, लाइक इन्हें 270 चाहिए था फॉर विनिंग, सो इन्होंने 290 जीते एंड जो प्रेजिडेंट बने, प्रेजिडेंट इलेक्ट हैं राइट नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 20 January 2021, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे जॉय बाइडेन, एंड कमला हैरिस वाइस प्रेजिडेंट बनी है, वो आप याद रखेंगे। ओके, प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बने, कौन इलेक्ट हुए, ज्ञानेंद्रो निंगोबम इज फ्रॉम मणिपुर जो प्रेसिडेंट बने हॉकी इंडिया के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा, उनका नाम भी याद रखेंगे।
ओके हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट्स वर लॉन्च फ्रॉम PSLV C49 इंक्लूडिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दिस हैज बीन लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश सो टोटल 10 एंड 9 फॉरेन सैटेलाइट्स से 9 फॉरेन सैटेलाइट 4 सैटेलाइट्स ऑफ USA 4 सैटेलाइट्स फ्रॉम लक्समबर्ग 1 सैटेलाइट्स फ्रॉम लिथुएनिया सो टोटल 10 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई बाई यूजिंग PSLV C49 रॉकेट दिस हैज बीन लॉन्च बाय अवर ISRO. Okay, the armed forces conducted a joint tri-service exercise bull strike in which island in the Nicobar group of islands the joint bull strike Indian army armed forces द्वारा conduct की गई थी you have to answer at which island so the name of the island is Terceira Island. Okay, who is the author of the book title Rasathi the other side of transgender so this book has been authorized by Sasindran Kaleen Keel. Which state has launched eco-friendly bamboo candle and diyas for Diwali under Vocal for Local initiative? So this initiative has been started by the state government of Tripura. Who is the author of the book Insomnia Army Stories? So author of this book is Rachna Best. Which state ranked number one in providing employment under micro, small and medium enterprises? So this list has been topped by the state government of Maharashtra. Okay, the president of which country has released a special anthology on Mahatma Gandhi thoughts, my understanding about Gandhiji. So this has been launched by Nepal. President is Bindya Devi Bhandari of Nepal. KP Sharma Oli is the prime minister. Which movie of Vidya Balan has become the first movie for the year 2021 which movie of Vidya Balan has become eligible for Oscar nominations so name of the movie is Nutcut okay on which day National Legal Service Day is observed 9th November is the correct answer okay ye already ho chuka hai ye bhi ho chuka hai ye bhi ho chuka hai I think some questions are again repeated. Yes. Sacha Man Limbo, who passed away, was the former CM of which Indian state? So, ye the ji Sikkim ke former CM. Right now, Sikkim ke kon hai ji Prem Singh Tamang. Ganga Prasad is the governor. Okay, Ruskin Bond, one of the India's most cherished author, was awarded Tata Literature Life Lifetime Achievement Award for the year 2020. So, inka naam aap yaad rakhenge. Iske saath saath aapne yaad rakhna hamare Vice President M. Venkaiah Naidu has launched the book Thavasami Life and Skills Through the Lens of Ramayana. This book has been authorized by Rala Bandi Sri Rama Chakra Radhar and co-authorized by Amara Shraddha Deepthi. So, Thavasami Life and Skill Through Lens of Ramayana has been launched by our Vice President M. Venkaiah Naidu. So, ye aap yaad rakhenge. Which country has launched the world first 6G experimental satellite? So, ye karne wala first country bana hai ji, China. I Am No Messiah is the autobiography of which of the following? Ye aapne batana hai. So, ye autobiography hai Sonu Sood ji. जिन्हें स्टेट आइकन भी बनाया गया है पंजाब का वो भी आप याद रखेंगे इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश इन विच इंडियन स्टेट चंदन की लकड़ी ये बनेगा जी कर्नाटका में ओके ऑन विच डे नेशनल आयुर्वेदा डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड तो इस साल हमने ऑब्जर्व किया है 13th नवंबर को तो 13th नवंबर इज द करेक्ट आंसर जिस दिन धनतेरस और धनवंतरी दिवस जयंती आप बोल सकते हो फादर ऑफ मेडिसन आपको याद रखना है एंड पांचवें आवारी फिफ्थ आयुर्वेदा डे हमने ऑब्जर्व किया ऑन 13th नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है 12th नवंबर इज द करेक्ट आंसर ओके द बुक ऑन गुलजार बोस्कियाना इज ऑथराइज्ड बाय गुलजार की लाइफ पे आधारित है दिस बुक इज ऑथराइज बाय राधा कृष्ण प्रकाशन ओके एंड ये आप डिटेल्स भी आप याद रखेंगे
आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो पीडीएफ से, ये सारी डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, माजी बेंट माई वॉल, जिसे ऑथराइज किया गया बाय द फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राजेंद्र दर्दा, राजभवन में इसको लॉन्च किया। इसमें इनके जितने भी फेसबुक के सिलेक्टेड पोस्ट हैं उनका कंपाइलेशन है, यानी कि मिस्टर राजेंद्र दर्दा का। ओके, तो जो भी इश्यूज़ रहते थे लास्ट चार ईयर में जो भी इन्होंने उठाए फेसबुक पोस्ट की हेल्प से, तो उनका कंपाइलेशन है इस बुक में। तो माई वॉल इज द टाइटल ऑफ द बुक। 24th एडिशन ऑफ ITTF वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीत लिया? शी इज फ्रॉम चाइना, हर नेम इज चेंग मैंग। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट एयर केयर? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। आसिफ बसरा पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू, आपने मूवीज में जरूर इनको देखा होगा। सो बॉलीवुड इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अमेरिकन काश पटेल, जिन्हें नेम्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर, न्यू अपॉइंटमेंट हुआ आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप फायर डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर एंड डेजिग्नेटेड क्रिस मिलर एज द एक्टिंग सेक्रेटरी, एंड काश पटेल को लाइक चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट तो जो बाइडेन बन चुके हैं, बट स्टिल राइट नाउ प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। राइट नाउ जो बाइडेन है वो प्रेजिडेंट इलेक्ट कहे जाते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 20th January 2021 वो चार्ज लेंगे। राइट नाउ लाइक डोनाल्ड ट्रंप या प्रेजिडेंट बोल सकते हो। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन जो डेली पूछे जाते हैं। एंड नाउ एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, अगेन आई बिलीव कि यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन अगेन। आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये फाइनल क्वेश्चन आपने कमेंट करके मुझे बताना है। सो विद दिस गाइज, ऑल क्वेश्चन आर कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अच्छा लगा। विद दिस, हमने ऑलरेडी मैं आपको संडे को एक रिविजन करवा चुका हूँ नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का, एंड इस वीडियो में मैंने टॉप करंट अफेयर लिए 1st से लेकर 15th of November तक, यानी कि 1st of November के 100+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। सेकेंड हाफ के भी हम कुछ क्वेश्चंस कर ही चुके हैं लाइक संडे वाले रिविजन वाले वीडियो में। नाउ एक फाइनल वीडियो आएगा एंड विद दिस आपके नवंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर बनाए रखें। एंड फॉर द PDF, आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इवनिंग तक मैं PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।